इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत भैया के जीवन से एक बात निवेदन करिए दुराग्रह ने। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सात कीजिए सो। हे प्रभु, जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो, हे करुणा के समुद्र, अब वही करिए। बस भगवान ने वही कर दिया और हमारे श्रेष्ठ की प्रसन्नता में ही हमारी भी प्रसन्नता है। ये स्वभाव बने हमारा, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं। अरे भैया, आपके लिए तो हो रहा है। श्रेष्ठ जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। हमारी प्रसन्नता है। भरत जी आए, गुरुदेव भगवान मिथिलापति ने अयोध्या जी का साज सजाया संभाला। शत्रुन भैया को माताओं की सेवा समर्पित की है भरत जी ने। कार्य का वर्गीकरण अनिवार्यतः करना चाहिए। कार्य के वर्गीकरण में शुभिता रहती है। कोई काम नहीं हुआ तो कम से कम पूछा तो जाए किसने नहीं किया। नहीं नहीं, आप क्या करेंगे? तो हम सब करेंगे। अरे भाई, क्या करेंगे आप? कार्य का वर्गीकरण हो, घर हो कि संस्थान हो कि प्रतिष्ठान हो कि व्यवहार हो कि व्यापार हो, जिम्मेदारियों का बंटवारा अवश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो एक आदमी करे करे मर जाए और तीन लोग टोके टोके रह जाए। भरत जी को राज संचालन का कार्य गुरुदेव भगवान ने सौंपा है, शत्रुन जी को माताओं की सेवा सौंपी, सचिवों का दायित्व सचिवों को दिया गया। भरत जी निवेदन करते हैं, मैं नंदीग्राम में वास करूं। अरे क्यों भैया? मेरा भाव है, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग होई सो। समझ कर बूझ कर, हे भरत जी, जो आप करेंगे और रहेंगे वही धर्म का सार होगा। धर्म सिद्धांत कहीं कभी किसी अवस्था वय क्षेत्र परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता, अक्षुण रहता है। धर्म की परिभाषा इस स्थान पर हो, तिवारीपुर में अथवा श्रीधाम अयोध्या जी में कि दोहरी घाट में, एक ही रहेगी। स्थान परिवर्तन पर भी धर्म की परिभाषा मित्रों माताओं बदलती नहीं है। यह भारत धर्म भूमि है। दुनिया को हमने धर्म दिया है। एक केवल सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसने न कभी लोभ बस, न लालच बस, न दबाव बस किसी को परिवर्तित किया हो कि आप मेरे में आ जाओ, आप उससे शामिल हो जाओ। नहीं, हम नहीं करते। हम तो इसी से परेशान हैं कि हमारे जो औरों में चले गए वह पलटिया हुए, ऊपर बवाल मचता है। पलटाई गए, पलटाई गए, भाई पलटाई गए कि पलटी गए? पलटा थोड़ी कोई देखो सकता है।
पलट ही गए। धर्म का मूल सनातन धर्म, मूलम धर्म तरोर विवेक जलते पूर्णेन्दु आनंद। धर्म तत्व देना हमारा स्वभाव है। धर्म चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं, हम किसी को अपशब्द भी नहीं बोलते। हम हमारी दुनिया में जय जय हैं। आप सभी भाई बहन, गांव में कोई गणेश जी का विग्रह रखता है सहयोग करो, कोई सरस्वती माता का रखता है सहयोग करो, बच्चे लक्ष्मी मैया का विग्रह रहते हैं सहयोग करो। मैं जब गांव जाता हूं तो बच्चे आते हैं, भैया हम लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति रखे। अच्छा भैया कितना सेवा है? अत बस आप मूर्ति मंगा दीजिए और सब हम कर लेंगे। कितना चलो ठीक फाइनल हो गया, ले कितना प्रसन्नता होती है जानते हो आप? क्यों? कि यदि गणेश भगवान माँ आदिशक्ति लक्ष्मी जी के विग्रह का दर्शन भी 500 लोग करते हैं तो 500 लोग लक्ष्मी जी की जय तो करवे करेंगे। कई लोग लेंगे देंगे कुछ नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा तोहके करना नहीं, दूसरा करे तो आफत है। बच्चे किसी प्रकार तो दुर्गा जी का प्रतिमा लगाए, अब आप विरोध में खड़े नहीं करो। केवल सनातन धर्म के लोग ऐसे हैं जो अपने घर में विरोध करते। सनातन धर्म का विरोधी बाहर का नहीं है, अपने ही घर का है। ये क्या है? सोने नहीं देते? अरे सोने एकदम असली निद्रा आएगी, वापस नहीं जाएगी। सोई तो रहे हैं हम, आप खूब सोइए। परंतु छोटे छोटे बच्चे यदि भगवान की प्रतिमा विग्रह का स्वरूप साधन करते हैं समाज के लिए तो वहां सहयोगी बनिए, निंदा न करिए। वैसे भी आप देखते हैं मूर्ति का कितना विरोध कर रहे हैं लोग, हम आप विरोध करें अच्छी बात नहीं। क्यों? मूर्ति परमात्मा है। देखिए मूर्ति कंबित प्रवचन, कंबित प्रवचन, आप प्रवचन के साथ रहा करिए। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन जितने किए जप जाग मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन जितने जतन सारे निरर्थक हैं हो मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन जितने किए जप जाग। मनि निरक्षरि जैसे करि सकारिता विशालता जो शब्द में समाई है, अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है, अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। ध्वनि को उच्चारने की वेद ने यतन कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है, कल्पना में आकारिता बनाई है, कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है। सहकारिता एकाग्रता में पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है, पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है, पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है। अनार कह के शिशु का विवेक जगता कसे गढ़ा को तज कर वेद पढ़ने लगता। अवतार का साकार का आगम समर्थक है सगुण वही माने का, सत्य वही जाने का, ईश्वर से अनुराग अर्थ वेदों में परिपक्व है हो मूर्ति।
सारे निरर्थक हैं ओ मोर दीवाने बिन, सगुण को जाने बिन, जितने किए जप का। मूर्ति का विरोध नहीं, जानते हैं सतयुग में मूर्ति परंपरा थी ही नहीं, त्रेता में यज्ञ ही भगवान की सेवा थी। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी ने यह परंपरा गिरिराज भगवान गोवर्धन की पूजा से प्रारंभ की। पहले हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे, नहीं मानने वाले देवताओं की मानसिक पूजा चलती थी। भगवान ने कह दिया ये प्रत्यक्ष भगवान हैं गिरिराज महाराज, इनकी सेवा करिए। परंतु कलिकाल में हमारी आपकी, ये भी देखिए ना, हमारी आपकी मानसिक स्थिति और चित्त की श्रद्धा किस प्रकार है, क्या कहें आप। नहीं कहेंगे, हम लोग भगवान को भोजन कराते हैं तो यह मन में रहता है क्या कि ये पा रहे हैं, ये पाले तब हम पावें। प्रत्यक्ष भगवान आप देखते हैं ना, विवाह में जब हम थाल सरकार को पवाते हैं तो मक्खी भी हाँकते रहते हैं, हवा भी झलते रहते हैं। हमारी श्रद्धा ऐसी हो कि सरकार पा रहे हैं तो हम अपने थाली में नहीं बैठने देते हैं, तो भगवान की थाल में कैसे बैठेगा। व्यवहारिक होइए, यह मन में आवे कि सरकार पा रहे हैं। ऐसा नहीं करे शालिग्राम नर्मदेश्वर भगवान जैसे एक थाल दिखाया और खींच लिया, अरे भाई कुछ देर तो पाने दो। ऐसी श्रद्धा बनाइए भगवान। और मैं ये भी कहूंगा कि देव स्थल देव विग्रह स्थापित हो तो उनके सन्मुख बैठकर उनको भजन सुनाइए, सन्मुख बैठकर, सन्मुख बैठकर। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।